महुआ के सलारपुर बांध का पानी बर्बाद होने के मामले में कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। महुआ के चंदेल कालीन सरोवरों की संजीवनी देने वाला सलारपुरा बांध हाल ही में हुई बारिश के पानी से भरकर लबालब हो चुका है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते बांध का पानी ओवरफ्लो होकर नहरों के माध्यम से मध्य प्रदेश की ओर जाकर बर्बाद हो रहा है। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पानी को महुआ स्थित तालाबों में लाने की प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के मुताबिक महुआ सदर तहसील का सलालपुरा बांध करीब 336 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ा था, लेकिन अक्टूबर माह में हुई मूसलाधार बारिश के चलते 7 साल बाद बांध पानी से पूरी तरह भर चुका है। लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते महुआ शहर का जीवन दायिनी सलारपुरा बांध का पानी बर्बाद होकर मध्य प्रदेश जा रहा है। भीषण बारिश के बाद भी महुआ शहर के सभी चंदेल कालीन सरोवर सूखे पड़े हैं। इस मामले को लेकर डीएम ने बेहद गंभीरता दिखाई है और उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को एक टीम बनाकर तत्काल प्रभाव से पानी को महुआ के तालाबों की ओर लाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा है कि सलारपुर बांध से महुआ के जितने तालाब हैं सबको फायदा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से, सिंचाई विभाग की लापरवाही से न तो उर्मल डैम भरा गया, हर जगह बाढ़ें आईं, लेकिन महुआ में पानी नहीं आया। क्यों? कि महुआ में पानी उर्मल डैम से आता था सलारपुर में, और सलारपुर से पानी आता था मदन सागर में, और मदन सागर से पानी जाता था कीरत सागर में, और कीरत सागर से पानी जाता था दसरापुर में, और मदन सागर से पानी जाता था कल्याण सागर में। यही इसकी व्यवस्था थी। यहाँ के चंदेल कालीन में जो राजा महाराजा थे, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। आज नहीं, महुआ में कभी पानी की कमी नहीं रही, लेकिन इन अधिकारियों की वजह से कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। फाटक खुला रहा, पानी निकलता रहा, और बांध नहीं भरा। अब आपका बांध भर गया है उर्मल डैम में, उर्मल डैम में भी पानी है, सलारपुर डैम में भी पानी है। अब सलारपुर डैम से सप्लाई मध्य प्रदेश को हो रही है, उत्तर प्रदेश में सप्लाई नहीं आ रही, जबकि पूरा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि अधिकारी मेरी बात पर और मीडिया गौर करे और ये ध्यान दे इस बात पर कि महुआ के तालाब भरे जाएं और ये पानी जो बेकार में बह रहा है उसको रोका जाए, यही मेरा कहना है। एसडीएम साहब और जो हमारे एक्शन साहब थे, जो सिंचाई विभाग से सलारपुर डैम को देख रहे थे, उसके संबंध में परसों हमारी बातें हुई और तत्पश्चात जो 10 किलोमीटर का एरिया था उसको सही करते हुए पानी को डिस्चार्ज करने के लिए बोला गया है। आज सुबह जो उन्होंने मुझको वीडियो भेजी है, उसमें बताया है कि उन्होंने पानी वहाँ से शुरू कर दिया, और ये अच्छा प्रयास है जिससे कि हमारी झीलों के संरक्षण में भी और साथ में जो पर्यटन है उसको भी उससे फ़ायदा होगा।